अमल अमल मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया तुमने मेरी जान बचाई और प्लीज मुझे माफ कर दो अरे क्या कर रहे हैं आप उठिए प्लीज नहीं मैं नहीं उठूंगा पहले तुम मुझे बोलो कि तुमने मुझे माफ किया हाँ मैंने किया आप, आप उठे तो प्लीज देखिए अब आपको भी मेरा काम करना होगा जॉली का विनाश करने में आपको मेरी मदद करनी करूंगा करूंगा तुम जैसा बोलोगी वैसा करूंगा। पहले मुझे बताइए आपका जॉली के साथ क्या रिश्ता है क्यों पीछे पड़ा है आप सबके जॉली और विकास एक ही बस्ती में रहते थे दोनों जिगरी थे विकास जितना ही ज्यादा सीधा था जॉली उतना ही ज्यादा बिगड़ा हुआ था विकास ने बहुत कोशिश की उसे सुधारने की लेकिन जॉली नहीं माना लेकिन जॉली ने सिर्फ एक आइडिया दिया और उसे फॉलो करते करते विकास ने रातों रात एक बहुत बड़ी बिजनेस कंपनी खोल दी बदले में जॉली को भी उसने पार्टनरशिप दे दी हम पांच पार्टनर्स थे मैं कुणाल संतोष विकास और जॉली हम चारों लोग बहुत मेहनत करते थे दिन रात काम करते थे लेकिन जॉली सिर्फ अयाश करता था लड़कीबाजी करता था इसके बावजूद विकास ने उसे कंपनी से नहीं निकाला क्योंकि वो विकास की बहन सयोनी को अपनी बहन से ज्यादा प्यार करता था और सयोनी भी विकास से पहले उसे राखी बांधती थी मजा ले किसी की जो सयोनी की तरफ आंख उठाकर भी देख रहे जॉली के चाल चलन परेशान हो गई थी जॉली से ब्रेकअप कर लिया जॉली से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उस लड़की को बहुत सताने लगा एक दिन तो हद हो गई वो सरे आम उस लड़की को मारने लगा विकास से बर्दाश्त नहीं हुआ और अगर तेरी बहन के साथ कोई ऐसा करता तो वो लड़की वो लड़की भी किसी की बहन है समझा जिसको सबके सामने तूने तो थप्पड़ मारा बस जॉली अब तो बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुझे लेकिन अब और नहीं चला जाए यहां से जॉली सोचता था कि उसके आइडिया पे कंपनी बनी है तो सब कुछ उसी का है अब उसे विकास गलत लगने लगा था इसलिए वो सब कुछ बर्बाद करने ऑफिस पहुंचा और हर चीज को आग लगाने लगा लेकिन फिर आग गलती से उसके हाथों में ही लग गई विकास ने जॉली को पुलिस के हवाले करवा दिया बाद में पता पता चला चला कि कि उसने उस लड़की को बहुत सताया फिर पता चला कि किसी लड़की ने उसे जेल करवा दी जॉली को मौत की सजा हो गई हमें उस वक्त बहुत ज्यादा बुरा लगा ये बात हमने आज तक सयोनी को नहीं बताई कि उसे मौत की सजा हो गई थी इसलिए सयोनी को आज तक लगता है कि जॉली कहीं भाग गया है विकास आज भी उसके प्रॉफिट शेयर से उसकी माँ का ख्याल रखता है और उन सारी लड़कियों का ख्याल रखता है जिसकी जिंदगी जॉली ऐसे लड़कों ने खराब कर दी लेकिन जॉली ने आज भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा हमें पता नहीं था कि मरने के बाद भी जौली की आत्मा में सताने आ जाएगी उसकी आत्मा सिर्फ आप लोगों को नहीं बहुत सारे लोगों को सता रही है और अब तो मुझे डर है कि वो आपकी और विकास की जान लेने के पीछे पड़ेगा देखिए मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है वो बुरी शक्ति का विनाश करने में हमारी मदद जरूर करेंगे लेकिन हमें किसी भी तरह जौली का पर्दाफाश करना होगा वो भी आज की रात संगीत में ठीक है चले हुआ क्या है शादी वाला घर और तुम क्या कराया जा गड़बड़ है मुझे तुझसे बात करनी आज मेरी बहन की शादी हमारे दो पार्टनर्स तो ऑलरेडी कहीं गायब हो चुके हैं बस हम दोनों बचे यहां सब कुछ हमें ही संभालना है ये फालतू की बातों में ध्यान मत दे शादी में ध्यान दे दे विकास वही मैं तुझसे कह रहा हूँ देख दो लोग ऑलरेडी गायब हो चुके यार ऐसा ना होगी कहीं पीता भी गायब हो जाए विकास प्लीज यार भरत क्या हुआ है क्या क्या हुआ है नगवान मुंह से जाग आ रहा है राजवीर जल्दी श्रीगंगा से लेकर आ जाओ इसके मुंह से जाग आ रहा है जल्दी करो